हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बड़े बड़े पेड़ अब सूखने लगे हैं, छोटे पेड़ उगने लगे हैं। अब तो पेड़ भी कम होने लगे, कहाँ जाएं हम। जब भी हमें गर्मी ज़्यादा होती थी, हम पेड़ के नीचे आकर सो जाया करते थे। बदन खुजला ना हो तो पेड़ पर ही घिसड़ जाते थे। अब तो बड़े पेड़ भी नहीं है। जो पेड़ पहले उगा था और किसी कोई कोई लगा गए, वह पेड़ सब सूख कर गिर गए। अब नए नए छोटे छोटे पेड़ पौधे होने लगे। हमारे बुजुर्ग भी उम्र के दहलीज पर हैं, न जाने कब वह भी पेड़ों की तरह ढल जाएं। हम यही चिंता करते हैं, पर खुशी होती है पेड़ के नीचे आकर जब बैठते हैं। कड़ी धूप में छाया मिलती है, ठंडक मिलती है, पेड़ भी देखकर मुस्कुराता है। चिड़िया उनके ऊपर घर बनाया करती है, राही वहीं पर आके विश्राम करते हैं और हम भी जाकर वहीं विश्राम करते हैं। ये बेजुबान कहते हैं, अब पेड़ नहीं रहा, बड़े बड़े जंगल कट गए, वहाँ महल बन गए। हम जाए तो जाए कहाँ, शहर जाए तो लोग हमें भगाते हैं, धुतकारते हैं या गोलियाँ दाग देते हैं। और जंगल में रहूं तो जंगल का नामो निशान नहीं, क्या खाए क्या रहे। अपने बच्चों को पालना भी हमें मुसीबत सा महसूस होता है। अब आप ही लोग बताओ दोस्तों, हम क्या करें। ये कहते हुए वह सबको गुहार लगा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को पेड़ बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, इन पंछियों के लिए, इन पशुओं के लिए। हम इंसान हैं, हम रो धो कर अपना दर्द दूर कर लेते हैं। कोई हमें कुछ कहा तो हम भी उसका जवाब मुंह तोड़ दे देते हैं। पर यह जीव, यह बेजुबान, यह पंछियाँ कहाँ जाएंगी, यह कौन सोचेगा। बड़े पेड़ देखते ही काट डालते हैं, जंगल देखते ही उसको भी सफाई करके वहाँ पर महल बना लिया जाता है। इंसान इतने मतलबी बन गए हैं, अपने सिवा और किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते, न जाने क्यों ऐसा करते। ये बेजुबान हम सभी से प्यार करते हैं, प्रकृति से भी प्यार करते हैं, तभी तो यह प्रकृति को देखकर उनके आगे पीछे घूमते हैं और उनको प्यार से सहलाते हैं अपने बदन से। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइएगा और अपना प्यार दीजिएगा। और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी सुलझाइएगा। यही कहते हुए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।